नमस्कार केटीवी न्यूज साथे हूं सुकिरण नजर करे आज ना महत्वपूर्ण समाचार पर। तो वडाप्रधान मोदी और स्पेन ना पीएम आवशे गुजरात। स्पेन ना पीएम पेड्रो सेंचेज 27 ऑक्टोबर आवशे वडोदरा। पीएम ना कार्यक्रम पहला हर्ष संघवी वडोदरा नी मुलाकाते। हर्ष संघवी और सीआर पाटिल पण मुलाकात लेशे। आगमन पहला रूट नी निरीक्षण करी समीक्षा बैठक योजशे। राज्य कक्षाना मंत्री मुकेश पटेल पण हाता हाजर। 28 ऑक्टोबरे बने प्रधानमंत्री ना हस्ते थशे लोकार्पण। डाटा एरबस C295 एरक्राफ्ट प्लांट नू थशे लोकार्पण। पीएम मोदी ने स्पेन ना पीएम एमओयू पर सही करशे। हाल महत्वपूर्ण समाचार सामे आया छे। पीएम ना कार्यक्रम नी समीक्षा करवा हर्ष संघवी पहोंच्याशे। तमाम बाबत नू निरीक्षण करशे। सीआर पाटिल लीधी मुलाकात। आगमन पहला रूट निरीक्षण अने समीक्षा बैठक करी। राज्य कक्षा मंत्री मुकेश पटेल हाजर रहा था। 28 ऑक्टोबर बने प्रधानमंत्री ना हस्ते थशे लोकार्पण। टाटा एरबस C295 एरक्राफ्ट प्लांट नू थशे लोकार्पण। पीएम मोदी ने स्पेन ना पीएम एमओयू पर सही करशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी साथे स्पेन ना पीएम पण गुजरात नी मुलाकात आवी रह्या छे। तमाम बंदोबस्त गोठवाई चुक्यो छे। तमाम तैयारी ने आखरी ओप आपी देवामां आव्यो छे। तमाम तैयारी नी समीक्षा करवा माटे खुद सीआर पाटिल तेमज हर्ष संघवी पण उपस्थित रह्या छे। जरूरी लागे त्यां सूचनो कर्या छे। स्पेन ना पीएम पेड्रो सेंचेज 27 ऑक्टोबरे आवशे वडोदरा। पीएम ना कार्यक्रम पहला हर्ष संघवी वडोदरा नी मुलाकाते छे। हर्ष संघवी अने सीआर पाटिले मुलाकात लीधी हती। आगमन पहला रूट नू निरीक्षण कर्यु। समीक्षा साथे बैठक करी हती। अधिकारियों साथे सलाह सूचन साथे बैठक हती। साजे राज्य कक्षाना मंत्री मुकेश पटेल पण हाजर रह्या हता। 28 ऑक्टोबरे बन्ने प्रधानमंत्री ना हस्ते लोकार्पण थवा जई रह्युं छे। जेने लईने तमाम तैयारीओने आखरी ओप आपी देवामां आवी रह्यो छे। महत्वपूर्ण छे के स्पेनना पीएम गुजरातनी मुलाकाते छे। आ साथे ज वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पण गुजरातनी मुलाकाते आवशे। आ बन्नेनी पूरजोशमां तैयारी थई रही छे। तेना आगमनने लईने तैयारीओ थई रही छे। लोकार्पणनी तमाम तैयारीओ पूर्ण थई छे। जेने लईने हर्ष संघवी पण निरीक्षण करवा पहोंच्या छे। तेमनी साथे सीआर पाटिल पण उपस्थित रह्या हता। हर्ष संघवी अने सीआर पाटिले मुलाकात लीधी। आगमन पहेला रूटनुं निरीक्षण कर्युं हतुं। समीक्षा करी हती। समीक्षा बैठक पण योजी हती। राज्य कक्षाना मंत्री मुकेश पटेल पण हाजर रह्या हता। फाइटर जेट्स होय के पछी डिफेन्स नी खास करीने जे अलग अलग व्यवस्थाओ छे तेमा जे प्रकारे मेक इन इंडिया कंसेप्ट ने देशना लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री द्वारा एक वेग आपवामां आव्यो अने खूब मोटी सफलता आपणे लोकोने प्राप्त थई छे। तेमा टाटा एडवांस ना आ प्रोजेक्ट ना लोकार्पण प्रसंगे बेव देशना प्रधानमंत्री श्री जारे अहीं पहोंचवाना छे वडोदरा खाते मेहमान बनवाना छे। तेने लईने वडोदरा शहेरना नागरिकोमां गुजरातना नागरिकोमां खूब ज उत्सुकता छे। लोकोमां उत्साह छे। अलग अलग समाजो अलग अलग संस्थाओ द्वारा बेव देशना प्रधानमंत्री श्रीओने स्वागत माटे પોતપોતાની પારંપરિક વેશભૂષા પોતપોતાના પારંપરિક બેન્ડ એમાં સમાજો બેઉ પ્રધાનમંત્રી શ્રીના સ્વાગત માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પાસે માંગણી કરી છે। આ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ માટે વિચારણા ચાલી રહી છે। સૌ સંસ્થાઓને આવનારા દિવસોમાં આ બાબતે જાણકારી આપવામાં આવવાની છે। ખાસ કરીને જે સંપૂર્ણ રૂટની વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ કાર્યક્રમની વ્યવસ્થા અને આ ઐતિહાસિક એમઓયુ જે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં થવાનું છે આ બધા જ જે વ્યવસ્થાઓ છે વ્યવસ્થાઓની સમીક્ષા માટે આજે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સીઆર પાટિલજી રાજ્ય કક્ષાના મારા સાથી મંત્રી મુકેશભાઈ એમની સાથે આ આખા કાર્યક્રમની સમીક્ષા કરવામાં આવી। વડોદરાની ધરતી દેશના ઇતિહાસમાં ફાઈટર જેટ્સ હોય કે પછી ડિફેન્સ ની ખાસ કરીને જે અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ છે